हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो गाइस, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं और होपफुली आपको जो पिछली वीडियो है वो पसंद आई होगी। काफ़ी भाई लोगों का अपना जो है कमेंट उसके ऊपर आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी फैमिली है, वो कमेंट कर रही है और वीडियो देख रही है प्रॉपरली। एंड देन सबसे अच्छा पता क्या लगता है, जब मतलब वीडियो अपलोड करो उसके बाद कमेंट्स आएँ, तो वो काफ़ी पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन देता है। तो बेशक ये वाला वीडियो मेरा अभी बनाने का प्लान बिल्कुल नहीं था, बट जिस हिसाब से कमेंट्स वगैरह आए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो बनानी चाहिए अब, और दिस इज़ द राइट टाइम ऑल्सो बिकॉज सम ऑफ द सब्सक्राइबर दे आर आस्किंग लाइक कि भाई ये चीज़ कैसे सेट की हुई है, क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। तो ये वीडियो मुझे जो है बनानी पड़ गई है अभी, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो इस तरह से आप दिखा रहे हो, मोटिवेशन एक तरह से मिल रही है जो कमेंट्स आप कर रहे हो, तो भाई मेरा एक परम कर्तव्य है, मेरा एक उद्देश्य है, मेरा एक एम सेट हो जाता है कि भाई मैं एक नई वीडियो को लेकर के आऊँ आपके सामने और उसमें बताऊँ जो आप लोग पूछ रहे हैं। तो किसी भी तरह का डिले ना करते हुए फटाफट से वीडियो कर लेते हैं शुरू। गाइस, यहाँ स्क्रीन पे आप कमेंट्स देख सकते हैं, तो ये कुछ एक कमेंट्स है अपने पास जो आए हैं और इनका रिप्लाई मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली ये है कि डैम्पिंग लगी है, वूफर लगा है, क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको हल्का फुल्का सा आइडिया बता देता हूँ कि गाड़ी के अंदर सेटअप है क्या और जो स्टैग है वो कैसे बज रहे थे लास्ट वीडियो में, तो विदाउट डैम थे या एम के साथ है, क्या था क्या नहीं है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में फटाफट से बता देता हूँ। तो गाइस, अगर हम डोर की बात कर लें तो डोर में देखो चारों के चारों डोर के अंदर जो है वो डैम्पिंग हो रखी है ऑलरेडी। ये काफ़ी भारी है डोर और इसके अंदर जो है डैम्पिंग शीट्स लगा रखी हैं, और वो स्पीकर वहाँ पे लगता है और इधर ट्विटर ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ट्विटर है, यहाँ पे सेम स्टैक का कंपोनेंट स्पीकर यहाँ पे है, कोएक्सियल यहाँ पे नहीं यूज है। और अगर हम बैक डोर पे ओपन करते हैं, एक भाई का कमेंट आया कि हम फ्रंट में कंपोनेंट्स लगा लें और बैक में कोएक्सियल लगा लें, तो क्या है कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है। तो भाई यहाँ पे भी देखो कंपोनेंट, मैंने तो कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ट्विटर लगा हुआ है इसके अंदर और इस डोर के अंदर भी जो है डैम्पिंग शीट्स लगी हुई है प्रॉपरली। मैं एक वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जिनको नहीं पता, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं वीडियो को, वहाँ पे जो है डैम्पिंग शीट्स वगैरह मैंने लगाते हुए बिल्कुल प्रॉपरली बताया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो पाइनर का वूफर है और चैम्पियन सीरीज़। अब इस वूफर में क्या है कि बेसिकली ये वूफर का मॉडल तो मुझे याद नहीं है, बट जो होगा मैं देख करके बता दूंगा अगर मिल जाएगा मुझे तो। ये बहुत इजी, पायनियर का आप डालोगे तो ये आपका सेम, देखो इसका फ़ोटो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो बॉक्स है ये बहुत ये भी अभी बहुत अच्छी क्वालिटी का बॉक्स नहीं है, तो एक रेड बोर्ड वाला जो दूसरा एक बॉक्स आता है वो मैं बनवाने का सोच रहा हूँ, बट अभी जो प्रॉपर फिटिंग वाइज हो बिल्कुल अच्छा सा, तो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है, अभी टाइम लग ही नहीं रहा है। वो एवरेज है, बट इसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बेस्ट है अभी इस टाइम पे। तो मैं यहाँ पे जो बॉक्स है वो, जो इसकी पेटी है लगी हुई, वो मैं पूरा चेंज करूँगा, बिकॉज ये जितना अच्छी क्वालिटी का होगा और जितना स्पेस वाइज ठीक सा होगा, उतना जो आपका वाइब्रेशन जो बेस है ना, दूर तक जो बेस की एक आवाज़ सी जाती है तो वो उतने दूर तक जाएगी, वो इसका ही कमाल रहता है। यहाँ पे ये क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भर भर वाला जो बेस है वो आएगा, जो कि एक सब्सक्राइबर में से पूछ भी रहे थे कि भर भर वाला बेस तो नहीं है, तो वो भाई इसके अंदर तभी आता है जब ये बॉक्स में कुछ हेरा फेरी होती है, क्रॉस कटिंग होती है या लो क्वालिटी का जो है बॉक्स वो लगा होता है। तो अब अगर इस तरफ में अगर हम आ जाते हैं तो सेम यहाँ पे भी देखो ट्विटर इस तरफ में है, स्पीकर वहाँ पे है, तो ये कंपोनेंट का ही यहाँ पे लगा हुआ है प्रॉपरली, जो स्टैक एक कंपोनेंट ही है आगे भी, सॉरी यहाँ बैक डोर्स पे भी और अगले डोर्स पे भी, दोनों जगह जो है कंपोनेंट स्पीकर यूज्ड है, कोएक्सियल यूज नहीं है। और यहाँ पे भी अगर इस तरफ में आओगे तो ये डोर भी सबसे पहली बात जो डैम्पिंग शीट से कवर्ड है फुली, और यहाँ पे भी स्पीकर है, इधर भी ट्विटर लगा हुआ है, ठीक है। और आपको सुनाता हूँ कि भाई विदाउट मतलब ऑन एम्प कैसा है और विदाउट एम्प कैसा है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा है वो सॉन्ग का इशू आ सकता है हमें, बिकॉज इसके अंदर मे बी जो है कॉपीराइट फ्री वाले जो सॉन्ग्स है वो नहीं होंगे, तो मैं एक बार सर्च मारता हूँ अगर मुझे मिल जाएं। तो गाइस, प्रॉब्लम ऐसी होगी कि भाई जो मेरा पेन ड्राइव था वो रह गया दूसरी गाड़ी के अंदर, तो अब जो उसके अंदर जो कॉपीराइट फ्री बीट्स हैं वो वहाँ पे हैं, वहाँ पे गाड़ी लगती है, उधर जाऊँगा। तो गाइस, यहाँ पे जो मैं आपको भी साउंड सुना रहा हूँ विदाउट एम्प है, एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एडिशनल थिंग अटैच्ड टू इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साउंड वो क्वालिटी कैसी आ रही है, तो ये प्रॉपरली विदाउट एम्प है।
आपको चेक भी करा देता हूँ भाई, किसी तरह का जो वूफर है वो नहीं बज रहा है अभी। वूफर इतने पे लगा दूंगा तो भाई तबाही मच जाएगी अभी। तो ये देख सकते हैं जो वूफर है वो किसी भी तरह का जो है साउंड क्रिएट नहीं कर रहा। ये देखो कोई इसमें हलचल कुछ नहीं है, ये बज नहीं रहा है अभी। तो इसको मैं ऑन करके अभी बताता हूँ आपको। और हाँ, जो कुछ एक लोग पूछ रहे हैं कि भाई जो स्टैग के कंपोनेंट्स है उसके अंदर कि आपने जो एम्प है वो अटैच है या नहीं है, तो भाई बिल्कुल इसमें एम्प का कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। तो विदाउट एम्प है, क्योंकि एम्प डायरेक्टली उसमें ही कनेक्टेड है जो अपना वूफर लगा हुआ है। तो वूफर मैं अब इसको ऑन कर रहा हूँ, वूफर को। तो साउंड पहले मैं कम कर लेता हूँ, बिकॉज इतने पे तो बहुत नॉइस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने अभी है वूफर को ऑन कर लिया हुआ है, तो आप साउंड सुन सकते हैं अभी। तो यहाँ पर जो है अभी मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और अभी आप जो है साउंड सुन रहे हो वो टोटली एम्प के ऊपर है, और एम्प मैंने ऑन किया हुआ है। तो फ़र्क अभी देखना एम्प कितना है। 12 की वॉल्यूम है और बहुत ज़बरदस्त तरीके का जो बेस है वो आ रहा है अभी। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वो इतना बेस होगा मतलब मैं तो सुन लूँगा, बट जो और इधर उधर वाले लोग हैं वो मना कर देंगे भाई, बोल देंगे ऑफ करने को। ये देखो यहाँ से अगर स्विच को ऑफ कर लेता हूँ, आप साउंड में खुद पता लगा लेना। ये देखना ऑफ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, एम्प ऑफ हो चुका है। तो ये है फर्क, और अब एम्प ऑन कर रहा हूँ, ये एम्प ऑन हो चुका है। तो गाइस इतना एक जो है फ़र्क वो आता है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है बेस के अंदर भाई, बहुत तबाही मच जाती है। तो ये है कुछ अभी जो है वो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी सैंपल्स, वो सारे के सारे सैंपल जो है वो, एक तो किसी भी तरह की एडिटिंग उसके अंदर नहीं हुई है, या जो ऑडियो है मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, एनहांसमेंट वगैरह कुछ मैंने नहीं किया या उसको मैंने कम किया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल रियल है जो अभी मैंने यहाँ पे जिस कैमरा के अंदर जो वॉइस आई है वही मैंने वहाँ पे बताई है। और जहाँ तक रही बात एम्प एंड वूफर, देखो आप जो भी लगाओगे, बट सजेस्टेबल मेरी तरफ से तो यही है कि अगर लगाना है तो पायनियर का लगाओ। वूफर वन ऑफ द बेस्ट वूफर है, कभी पछताओगे नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, अगर एम्प लगाना है तो एम्प भाई मैंने देखा पायनियर का लगा के, मुझे कुछ खास नहीं लगा। बेशक है लोग कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा एम्प है या कुछ ऐसा है, मुझे नहीं लगा सीरियसली एम्प, मतलब मैंने आई थिंक 13-14 हज़ार का एम्प लगाया पायनियर का सीरियसली। अब जो मैंने एम्प लगाया 4-5 हज़ार का एम्प है आई थिंक V12 का देसी वाला, तो बहुत अच्छी आउटपुट, उसे लाख दर से अच्छी आउटपुट वो दे रहा है यहाँ पे। तो एम्प के ऊपर पैसे वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। तो आप एम्प लगा सकते हो, V12 का बेस्ट है, देसी है, टूट फूट कुछ भी हो जाए, फूक जाए तो कोई चक्कर है, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बट पायनियर का ये है कि वारंटी वगैरह रहती है उसमें, इतने कोई इश्यूज वगैरह नहीं आते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं आते हैं, बहुत टाइम से चल रहा है जिससे मैंने लिया था। एक्चुअली उन्होंने यूज़ किया, मैंने ले लिया, तो दोस्ती यारी में ऐसा चला रहा। इमरान भाई है अपने, उनसे मैंने ये किया, मैं कभी मिलवाऊंगा आपसे। तो गाइस मैंने अभी आपको जो है आउटपुट दोनों चीज़ों की सुना दी, एक तो विदाउट एम्प और एक विद एम्प, और वूफर को ऑन करके एक ऐसी आउटपुट आती है। देखो अगर आप पूरा का पूरा कम्प्लीटली जो है वो रिलाय करना चाहते हो स्टैग कंपोनेंट्स के ऊपर, तो जो उसकी आउटपुट है मैंने आप एक वीडियो के अंदर बताई है, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका। तो विदाउट अगर आप सुनना चाहते हो तो वहाँ पे सुन सकते हो, और क्या है क्या नहीं है वो आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। तो और क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपका सॉर्ट आउट करने का जो भी है ये जितना भी मुझसे हो पाया मैं उसके ऊपर वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा और कर ही रहा हूँ। और जो जो चीज़ें आपको लगती है मेरे को बताओ, मैं अपलोड करता जाऊंगा वीडियोस को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।